आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। जल शक्ति विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन बाढ़ नियंत्रण नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, अत्यधिक वर्षा के कारण सभी नदियां उफान पर, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं है। कहीं जनधन या पशुधन हानि की सूचना। पिता की पिटाई का वीडियो बना रही छात्रा काजल सिंह के हत्या आरोपी एक अभियुक्ता को गगहा पुलिस ने सोमवार को किया गिरफ्तार। एसपी साउथ ने कहा, शेष अभियुक्तों की जल्द होगी गिरफ्तारी। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी में हुई लूट की घटना का 18 दिन बाद भी खुलासा नहीं होने पर एडीजी ने चौरी चौरा में संबंधित पुलिस कर्मियों के साथ की बैठक। कहा, पुलिस बीट सिस्टम को करे मजबूत, मिलेगी सफलता। जनपद के उत्तरी क्षेत्र में सनौली हाईवे सहित आसपास के क्षेत्रों में घुसा बाढ़ का पानी। सरकारी नाव से लोगों को निकाला गया बाहर। बाढ़ शिविर में खाने पीने रहने की गई निःशुल्क व्यवस्था। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पराली प्रबंधन और कृषि उपकरणों के खरीद के संदर्भ में की समीक्षा बैठक। दी आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई निर्माण कार्यों सहित विभिन्न विभागों की मंडलीय समीक्षा बैठक। आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। कहा, कार्यों में लापरवाही करने वालों पर की जाए कड़ी कार्यवाही। गोरखपुर से दिल्ली के बीच चल सकती है सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। ट्रेन को चलाने में दो राज्यों की राजधानी को जोड़ने व न्यूनतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसी नहीं है अड़चन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के सभी उप जिलाधिकारी व रिटर्निंग ऑफिसर को दिया गया प्रशिक्षण। 62 जिलों के एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर रहे मौजूद। एडीएम फाइनेंस ने कहा, आगामी चुनाव के मद्देनजर दिया जा रहा है प्रशिक्षण, जिससे चुनाव को शांतिपूर्वक कराया जा सके संपन्न। एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े प्राइवेट बसों और बिना हेलमेट के चालकों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। 200 से ऊपर वाहनों का किया चालान। दी हिदायत। कहा, नो पार्किंग में ना खड़ी करे वाहन, यातायात नियमों का करे पालन। जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 143 केंद्रों पर मंगलवार को 44,991 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 37,282 और सेकेंड डोज लेने वालों में 7,709 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। गोरखपुर विश्वविद्यालय में नॉन मोटराइज्ड व्हीकल डे पर विश्वविद्यालय परिसर में प्रोफेसर और शिक्षक अपने विभागों में पहुंचे पैदल। दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। परिषद के केंद्रीय मंत्री ने अब तक किए गए कार्यों की दी विस्तृत जानकारी। पुलिस ऑफिस के पेशकार विमलेंद्र नाथ मिश्रा के 40 वर्ष 8 माह पुलिस की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर एसपी साउथ सहित अन्य अधिकारियों ने नम आंखों से दी विदाई। कहा, पूरी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से किया अपने दायित्वों का निर्वहन। पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ी गौरव बालियान ने रूस में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। सीपीआरओ ने कहा, गौरव ने बढ़ाया पूर्वोत्तर रेलवे का मान सम्मान। गोरखपुर में मंगलवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,395। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 10 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। आरक्षण की मांगों को लेकर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन। आरक्षण लागू करने की मांग। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी और एमए व एमएससी की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 2,466 अभ्यर्थी। 330 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। कहा, पेपर था टफ, मेरिट जाएगी हाई। और
हिसार जनपद में बहने वाली तीनों नदियां रोहिन, घाघरा और राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। एडीएम फाइनेंस ने कहा, लगातार जारी है नदियों का बढ़ाव, एक सप्ताह के भीतर स्थिति सामान्य होने के हैं आसार।